जी नमस्कार। अब देखिए यहाँ पे सभी लोग जा रहे हैं, अपना घर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन एक अभ्यर्थी है जो कि इनसे पूरा एनालिसिस वीडियो करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। निकिता कुमारी। किस तरह का रहा पेपर? पेपर ठीक था। कैसा गया क्वेश्चन? अच्छा गया है। अच्छा गया जी। है क्या हिंदी किस तरह का क्वेश्चन था? हिंदी भी अच्छा था। किस टाइप का क्वेश्चन था? टाइप में इजी टू मॉडरेट था। अच्छा तो क्वेश्चन कुछ बताइए। स्टेफन क्रेसर से भी था। अच्छा। बोधगम में निवेश। अच्छा। आप पेडागोजी किस तरह का था? पेडागोजी भी ठीक था। ठीक था। पैसेज कैसा था? वाइगोस्की प्याजे बुद्धि का था फिर। अच्छा जी। तो एक स्टूडेंट यहाँ पे अभ्यर्थी है जो कि इनसे बात करते हैं, कैसा गया है? सर बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छा गया है। कितना आएगा आपका? 135 प्लस आएगा। 135 प्लस आएगा। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ? मैथ था कि साइंस था? मैथ था, साइंस दोनों था। मैथ साइंस से थे? साइंस से थे। ओ साइंस से थे। साइंस का कैसा क्वेश्चन? साइंस का एकदम अच्छा क्वेश्चन था। मैंने उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा दिया जाए तो बना सकता है कोई भी। तो आप बच्चे को लर्निंग कर रहा है ना, जो बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो बता सकता है जो 6 to 8 तक पढ़ाता है। किस तरह का क्वेश्चन था? क्वेश्चन बताइए। एक मैथ में क्वेश्चन था, कॉन्फिडेंस है तो आप बताइए। क्वेश्चन था एक, जैसे कि दिया हुआ था घर का जो है आयत का लंबाई दिया था, चौड़ाई दिया था, ऊंचाई दिया था। अच्छा। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ये तो मैथ से था, लेकिन आप भैया पेडागोजी से बताइए ना। पेडागोजी से बताने और पेडागोजी में पूछा हुआ था कि जैसे कि एक मिगान चिन्ह दिए हुआ था, या तो बताने से जैसे कि जीवाणु से क्या होता है, जीवाणु किसका है, प्रोटोजोआ किसका है, चेचक। अच्छा। किसका है, इस टाइप का क्वेश्चन था। अब इतना हम बता नहीं सकते। CDP का मतलब किस तरह का था? CDP भी जो हम पढ़े हुए थे वहाँ से। कहाँ से? कौन कौन सा वैज्ञानिक नाम? पियाजे हो गया, पियाजे हो गया था, वाइगोत्स्की हो गया था, उसके बाद नेम चोम्स्की के बारे में पूछा हुआ था। बहुत सारा क्वेश्चन से था जो पढ़ेगा, जो बता एक महीना कंटिन्यू होगा, बहुत 2 घंटा पढ़ा होगा, उसको 120 से 125 मैक्सिमम आ सकता है। कुछ अभ्यर्थी इधर भी हैं। आपका नाम क्या हुआ? प्रियशी। अच्छा 1 to 5 या 6 to पे, दोनों पेपर था क्या? बस 6 to 8। 6 to 8। 1 to 5 क्यों नहीं दिए? ऐसे ही नहीं दिए। क्यों? क्वालिफाई हैं आप 1 to 5? नहीं क्वालिफाई नहीं है। अच्छा तो आप प्रॉब्लम था इसीलिए नहीं दिए। ट्राई किए 6 to 8 दे के। अच्छा अच्छा। बीएड है तो मेनली वही ना चाहिए। तो किस तरह का क्वेश्चन था? अच्छा था, मॉडरेट था। हाँ संस्कृत पेडागोजी थोड़ा टफ था। पेडागोजी किस टाइप से था? कौन सा पेडागोजी? हिंदी का। वो तो अच्छा था। संस्कृत? संस्कृत का कैसा पेडागोजी था? वो थोड़ा टफ था। वो टफ था। हाँ। किस लेवल का क्वेश्चन जो आपको दिया है तो साइंस था या सोशल साइंस? साइंस था। साइंस भी अच्छा था। मैथ कैसा था? मैथ्स भी अच्छा था। मैथ क्वेश्चन बता दीजिए कुछ। मैथ्स का कंटेंट से किस तरह का क्वेश्चन? कंटेंट तो वेरी सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, रूट वाला था, फिर एवरेज था। अच्छा कंटेंट बिल्कुल इजी था मेरे देखने से। संस्कृत ही थोड़ा टफ था पेडागोजी उसका। पेपर इजी था? आज मॉडरेट था। इजी नहीं उसको बोलेंगे हम, इजी टू मॉडरेट। हाँ तो आपने सुन लिया किस तरह का पेपर रहा आज का। तो फिलहाल इतना ही, और जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, फुल एनालिसिस मिलेगा। अगर सेंटर पर किसी तरह का दिक्कत है तो वो भी हम वीडियो बहुत सारे बनाए हैं, चैनल पर जाके देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।